नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बीग्रो म्यूजिक सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई बड़े बॉक्स में बेस ज़्यादा बनती है छोटे बॉक्स की बजाय। तो इस चीज़ को ही मैं आपको क्लियरली आज समझाऊंगा कि ये क्या होता है। वैसे तो देखो भाई, इस चीज़ को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। इसको जब तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे या इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आएगी ज़्यादा, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये समझ लो कि दिमाग लगाने वाली ये चीज़ है, तब जाके आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वूफर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वूफर, स्पीकर, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अटपटी हैं, तो इसलिए फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या चीज़ किस हिसाब से होती है। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बड़े बॉक्स में लगा के सबवूफर की बेस ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो आप कि कोई भी कंपनी है, वो अपने सबवूफर का एक डिज़ाइन आपको देती है, ठीक है। जितनी भी अच्छी कंपनियाँ हैं, उनके अलग से पैरामीटर भी आपको, आप लोगों को मिलते हैं। वो आपको बताती है कि मेरे सबवूफर को अगर जो आप सील्ड में यूज़ करोगे तो इतने क्यूबिक फिट का होना चाहिए, पोर्टेड में यूज़ करते हो तो इतने क्यूबिक फीट का होना चाहिए, बैंड पास में यूज़ करते हो तो इतने क्यूबिक फीट का मेरा इनक्लोज़र होना चाहिए। ये कंपनी आपको देती है साइज़, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात आती है कि भाई अगर जो हम उस सबवूफर को, मान लो एक सबवूफर 2 क्यूबिक फीट में, मान लो कंपनी ने 1000 RMS का सबवूफर दिया और उसको हम 2 क्यूबिक फीट, कंपनी ने बोला कि इसको 2 इनक्लोज़र, और हम उसको 3 क्यूबिक फीट के इनक्लोज़र में सेट करते हैं, क्या वो 2 क्यूबिक फीट से ज़्यादा बेस देगा 3 क्यूबिक फीट का इनक्लोज़र? भाई नहीं देगा। फ़र्क क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग का फ़र्क हो जाता है इसमें। किसी की पीक किसी हर्ट्स पे जाती है, किसी की पीक कहीं और पे जाती है। पीक का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, कि आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हो कि छोटे इनक्लोज़र में बेस कम आती है और बड़े में ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें छोटे और बड़े में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि छोटा आपका थोड़ा लाउड बेस पे चलेगा, थोड़ा लाउड पे चलेगा, और बड़ा आपका लो पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, छोटा आपका लाउड फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देगा और बड़ा जो है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देगा। वो लाउड कम देगा और लो ज़्यादा देगा, छोटा लो कम देगा और लाउड ज़्यादा देगा। बेस वही रहेगी, ऐसा नहीं है बेस कम हो जाएगी, लेकिन वो आपके लिए इसलिए कम हो जाएगी, मान लो आप लोग सुनते हो म्यूज़िक लाउड, लाउड एक ट्यूनिंग समझ लो, ठीक है। ट्यूनिंग है कि आप एक लाउड म्यूज़िक सुनते हो, जैसे कि आप पंजाबी सॉन्ग सुनना, हिंदी सॉन्ग सुनना, तो ये लो सॉन्ग में नहीं आते थोड़े से, ठीक है। तो आप लाउड सुनना चाहते हो, तो अब क्या किया आपने, वो सब वूफर उठा के जो लाउड में अभी छोटे बॉक्स में बज रहा था, वो बड़े में लगा दिया आपने, तो उसमें क्या हुआ, अब वो जो है वो लो की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। और गाने सुन रहे हो आप लाउड, तो आपको लगेगा यार ये तो डिज़ाइन ही बेकार है, ये तो इनक्लोज़र बेकार है, ये तो अच्छी ट्यूनिंग पे नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर जो आप लोगों को ये लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई ये भी बोलते हैं, भाई मैंने सेम सबवूफर लगाया और उसकी गाड़ी में भी सेम सबवूफर है, बट वो आवाज़ें नहीं मिल रही। भाई मेन चीज़ ट्यूनिंग है, कि आप किस टाइप के सॉन्ग सुनते हो, वो किस टाइप के सुन रहा था, उन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब एक बंदे को इंग्लिश गाने सुना दिए लो फ्रिक्वेंसी पे और वो घर जाके सुन रहा है लाउड म्यूज़िक, वो कहता है भाई वो वाली आवाज़ ही नहीं बन रही। अरे भाई वो म्यूज़िक ही अलग था और ये म्यूज़िक अलग है, दोनों बिल्कुल अलग हो गए। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को अपना टेस्ट पहचानना होता है। उस हिसाब से टेस्ट जब पहचान लोगे, फिर उस टेस्ट के हिसाब से आपको अपने एनक्लोज़र को ट्यून करवाना पड़ता है। अब आजकल होता क्या है मार्केट में, आप मार्केट में जाते हो, सबवूफर उठाते हो, लेते हो और वो कुछ भी लगा के आपको दे देते हैं। वो कुछ भी से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत होते हैं, वो म्यूज़िकल इनक्लोज़र होते हैं, वो चल जाते हैं, ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे गड़बड़ होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा छोटे लग जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़े लग जाते हैं। तो इसलिए अगर जो कुछ भी आप चीज़ लेते हो, तो थोड़ा पूछ के, सोच के, समझ के लिया करो। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।